वो सिद्ध हो जाती है ये भाषा। जैसा कि पहले मैं भी कवि सम्मेलन में बोलता था कि कवि सम्मेलन में ये जो सरस्वती के पुत्र इनकी जुबान पे माँ सरस्वती बसती है, और जब माँ सरस्वती इनकी जुबान पे भेड़ जाती है तो ये जो भी बोलते हैं कई बार सिद्ध हो जाता है। मैं पहले खुद कवि सम्मेलन में ये बोलता था कि साहब मैं तो दिल्ली सारा दिल्ली बम्बई बेंगलोर हैदराबाद जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, मैं कहीं भी नहीं गया, मेरे घर से सीधा यहीं आया और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर भटकते फिरो क्या मतलब, अपन इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे। इसलिए आदमी को घर पे ही रहना चाहिए, घर पे रहोगे बहुत सारा फायदे। ये भाषा सिद्ध हो गई और आजकल सारे घर पे ही पड़े हुए। ये बात मैंने 10 साल पहले कही थी, आज सिद्ध हुई कि आदमी को घर पे रहना पड़ रहा। हालांकि घर पे रहने में जो फायदे हैं वो किसी में भी फायदे नहीं है, परंतु फिर भी हम कर रहे हैं साहब। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि धीरज भाई हमारा पंडित जी यहाँ पे विराजमान है, आप इनको पंडित जी मान लो, बड़ा आत्मविश्वासी पंडित है ये, इसका कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा कि अगर ये पड़ोस में सुबह में किसी का श्राद्ध करे तो शाम को पड़ोस ही मर जाए, तो बड़ा खतरनाक ब्राह्मण है। जगत जननी जब पड़ी मुश्किल में, प्रखर भैया आप बहुत बहुत अच्छा सुनाते हैं, आप बहुत अच्छे कवि हैं यार, ये आपके पड़ोस के और आपके समाज के एक बहुत प्यारा कवि है। समाज के इस बच्चे को समाज का प्यार मिलना चाहिए, आपका हौसला इसका हौसला है। जरा एक बार इसके सम्मान में आप ताली वाली बजाइए, कितना प्यारा कवि है पंकज यार। देशभक्ति की ये जब कविता सुनाता है लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हालांकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपके रोंगटे खड़े हो। नहीं एक बार ऐसी कविता इसने पढ़ दी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दिक्कत ये नहीं कि रोंगटे खड़े हो गए, दिक्कत ये कि 3-4 दिन हो गए रोंगटे बैठ ही नहीं रहे। रोंगटे खड़े के खड़े, ठंड का टाइम, छोटे छोटे बच्चों को इतनी तकलीफ पड़ रही कि चट्टी बनियान नहीं पहन पा रहे क्योंकि रोंगटे खड़े उनके। अब इन रोंगटों को कैसे बिठाएं अपन, तो रोंगटे बैठ नहीं रहे, कभी 67 बैठ रहे हैं पर रोंगटे नहीं बैठ रहे हैं, बहुत कम टाइम में बैठ रहे हैं सारे। तो ये सारी चीजें मतलब होता रहता है, सामान्य बात है भैया। बात ये है कि जब माँ मुश्किल में है, माँ मुश्किल में, मुझसे कहा मेरा विद्वान कवि ने, बोला भैया माँ कैसे मुश्किल में। मैंने कहा यार कुल देवी की प्राण प्रतिष्ठा का मामला है ये, और जब ये कुल देवी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो कुल देवी क्या होती है। सबने अपने अपने ढंग से कहा, बोले ये सिरवी समाज का प्रोग्राम है, कवि सम्मेलन है, इन सारे कवियों ने आपको एक बहुत बड़ी बात बताई कि यहाँ सिरवी समाज का ये प्रोग्राम हो रहा है, ये सिरवी समाज का कवि सम्मेलन है, ये सिरवी समाज का प्रोग्राम हो रहा है। आप सारे लोगों को इन कवियों का धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने कम से कम ये बताया है, बहुत बड़ी जानकारी दी कि आप सिरवी हो। अगर मान लो ये नहीं बताते तो अपन तो पता नहीं क्या समझ रहे थे अपने आप को। तो ये इतनी बड़ी बड़ी जानकारी भी दे देते हैं और ये इन्हीं को मालूम है कि आप सिरवी हो। कौन सतपुड़ा है और कौन चोयल और कौन भायल, ये सब इनको ही मालूम है, तो बहुत बढ़िया भैया। मैं ये कह रहा था कि जब आवे भसम नहीं आ, वो भी नहीं आ रहे हैं, ऐसा खराब टाइम आया कि कोई भी टाइम पे नहीं आ रहा। देखो इस देश के अंदर और यार राजनीति की उथल पुथल मच रही है, कोरोना को लेकर इतनी सारी बातें। हमारे मुन्ना भैया ने भी कहा मैं तो कोरोना की बात वाकई में भी नहीं करूँगा और इसलिए भी नहीं करूँगा। 5-7 मिनट एक बात मैं आपको बताऊँ साहब, बहुत पुरानी बात है, शायद आपको भी पता नहीं होगा, आपको भी नम्रता जी पता नहीं होगा क्योंकि मैं 5000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। नहीं मतलब आप नाराज मत होना, नहीं तो आप कह दो कि मैं तो उस टाइम पे थी। तो लगभग आज से 5000 वर्ष पहले की बात है, आप शायद रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं भाई साहब यूट्यूब है ना।